मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट हासिल करने वाले प्रत्याशी पंकज संघवी इन दिनों अपनी जीत को लेकर कवायदे कर रहे हैं। ऐसे में पंकज संघवी ने अपनी जीत को लेकर रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। अपने कार्यालय के शुभारंभ से पहले ही पंकज संघवी अपने घर पर ही कार्यालय बनाकर काम कर रहे हैं। इस दौरान संघवी जातिगत, पार्टीगत और सभी समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस की ओर से दूसरी बार लोकसभा मैदान में उतरे पंकज संघवी अपनी जीत को लेकर इस बार आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी के सदस्यों से मेल मुलाकात को एक सौजन्य भेंट बताया और इस चुनाव में भी सभी का सहयोग मिलने की बात कही। अभी मेरे को फिर जल्दी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे एक एक बच्चा जानता है, मुझे एक एक आदमी जानता है, मेरे को उसकी कोई जल्दी नहीं है। जिसको पहचान की कमी हो, जिसको शहर नहीं पहचानता, उसको जल्दी करना चाहिए। मेरे को हर कोई पहचानता है, मैं रूटीन में सबसे मिलता जुलता हूँ। पहले मैं वरिष्ठों से मिल लूँ, फिर मेरे को जिन जिन अधिकारी से, जिन जिन समाज के वरिष्ठ जनों से मिलना है उनसे मिल लूँ, और कल से मैं देपालपुर चालू हो ही रहा हमारा। 25 को हमारा सावेर है, 24 को कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन है। अब मेरे कार्यालय का उद्घाटन बाद में करता हूँ, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन तो है 24 को, तो ये सब चलेगा। वहीं पंकज संघवी ने इस बार कांग्रेस की जीत के दावे के साथ ही पुराने चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए। जीत की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार भाजपा वाले मुझे बेईमानी से नहीं हरा पाएंगे। हमारे साथ जो महापौर चुनाव में बेईमानी हुई थी, वो बेईमानी ये लोग नहीं कर पाएंगे क्या? और कांग्रेस के सारे वर्कर्स का, नेताओं का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार है। इसलिए जो हमारे 15 साल से कार्यकर्ता जो त्रस्त होकर कुछ घर बैठ गए थे, वो भी निकल के आ गए बाजार में कि दादा हम तो आपका काम करेंगे, तो ये सब फर्क तो है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज संघवी कई बार इंदौर से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले महापौर का चुनाव हारने के बाद प्रशासन पर उन्होंने गलत तरीके से हरवाने का आरोप लगाया था। अब जब एक बार फिर संघवी मैदान में है, तब उन्होंने प्रशासन पर ये आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।